नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल thinker.com। थंबनेल का ट्यूटोरियल वीडियोस तो वैसे बहुत देखे होंगे आप लोग, लेकिन ये वाला वीडियो थोड़ा हटके होगा। तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ऑटोडेस्क क्या काम करता है क्या नहीं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ऊपर लिंक दिया हुआ है। तो देखते हैं आज का वीडियो। पहले ऑटोडेस्क को इंस्टॉल करना है, फिर उसमें न्यू स्केच में जाके HD रेजोल्यूशन ले लेना है, फिर उस पर क्लिक करके पेज को ओपन कर लेना है, फिर इंपोर्ट इमेज में जाके आपको एल्बम्स में जाके आपका कोई भी एक पसंदीदा पिक्चर ले सकते हो आप। फिर उसमें हम मैजिक वन टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैजिक वन टूल एक ऐसा टूल है जिसमें आप लोग कोई भी एरिया, कोई भी एक कलर का एरिया सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप काम कर सकते हो। सिलेक्शन हो जाने के बाद आप लोग उसे इरेज भी कर सकते हो, जैसे कि PNG बनाते हैं लोग। तो हम लोग पहले अपने एक फ़ोटो लेके उसमें उसको PNG बना लेंगे पूरा। तो इधर मैं एक इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा बहुत इधर उधर का एरियाज जो मिस हो गया है वो हम इरेज कर लेंगे मैनुअली। इरेजर के एज को थोड़ा पतला कर लीजिए ताकि आपको इरेज करने में थोड़ा मदद मिले। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। फिर हम बैकग्राउंड लेयर का आई ऑफ कर देंगे ताकि हमें हमारा PNG एकदम परफेक्टली नज़र आए। तो ये बन गया हम लोगों का PNG। ठीक है, पहला PNG बन चुका है। अभी आते हैं स्प्लेंडेड लोगो मेकर में। स्प्लेंडेड लोगो मेकर में जाके आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है, फिर उधर क्रिएट न्यू करके टेक्स्ट ऑप्शन में जाके आपको कोई भी टेक्स्ट डालना होगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो कोई भी एक चूज़ कर लेना है आपको। फिर उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, फिर आप कोई भी एक फॉन्ट डाल सकते हैं। आप न्यू फॉन्ट भी कुछ मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं उधर से, बहुत अच्छा अच्छा फॉन्ट मिलता है। मैं तो यही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर टाइम पे, तो इससे बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स मुझे मिलता है और उसका फॉन्ट्स का जो PNG होता है वो डायरेक्टली मुझे मिल जाता है यहाँ से। अभी देखिए मैं इधर कुछ टाइप कर रहा हूँ, द अल्टीमेट वे। स्प्लेंडेड लोगो मेकर एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी लोगो बना सकते हो अपने मन से, मतलब आप इससे काम भी कर सकते हो बहुत सारा। देखिए अभी मैं PNG बना रहा हूँ और HD में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाने के बाद फिर हम ऑटोडेस्क में वापस आएंगे और उधर इंपोर्ट इमेज करके सेम प्रोसेस जैसे पहले मैंने दिखाया था, एल्बम्स में जाके आपको वो वाला पिक्चर चूज़ कर लेना है जो अभी अभी हम लोगों ने स्प्लेंडेड लोगो मेकर में बनाया है। तो उसमें आपको ये PNG फाइल मिल गया, देखिए। और इसको दूसरा मतलब कोई भी एक अलग लेयर में लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं बैकग्राउंड लेयर को लूँगा और थोड़ा बहुत इधर उधर कलर चेंजिंग कर रहा हूँ। देखिए इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा कलर बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल लुक के लिए मेरा जो खुद का पिक्चर है उसको मैं डुप्लीकेट बना लूँगा। ठीक है, लेयर में जाके डुप्लीकेट बना लूँगा। फिर देख सकते हो अब दूसरा वाला लेयर भी आ चुका है। तो अभी दो पिक्चर है मेरे पास, तो मैं एक को लूँगा और XL एडजस्टमेंट में जाके मैं उसको वाइट कर रहा हूँ। आप कुछ भी कलर कर सकते हो। फिर देखिए मैंने लेयर को ओवरले किया और मेरा लेयर ऊपर आ गया और जो वाइट कलर का लेयर है मेरा वो वाला पीछे रह गया है। तो अभी उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने से हम उसको इधर उधर हिला सकते हैं। देखिए अब देख सकते हैं, तो मैं एक जगह पे प्लेस कर दिया। अब देखते हैं द अल्टीमेट वे जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम थोड़ा कलर डालेंगे उसमें। तो वो एक दूसरा लेयर में है, उसके नीचे वाले जो लेयर है उसमें हम कलर कर रहे हैं ताकि ओवरलैप हो जाए, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये ओवरलैपिंग आए। ठीक है, देख सकते हैं कैसे कलर हो रहा है, तो एकदम पूरा मार्किंग होके कलर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए ये कलर हो चुका है। अब हम फिर से जाएंगे अपने खुद के जो पिक्चर है उस लेयर में और डुप्लीकेट बना लेंगे उसे फिर से। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ थोड़ा बहुत मतलब अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। तो फिर डुप्लीकेट करके फिर से HSL एडजस्टमेंट में जाके मैं उसे ब्लैक दे रहा हूँ। अब ब्लैक को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अभी ब्लैक को एडजस्ट कर लिया, फिर हम जाएंगे टेक्सचर ग्रुप में। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडम टेक्सचर ले रहा हूँ जो मेरे इस पिक्चर को सूट करे, तो मैंने ये वाला ले लिया, देख सकते हैं 200.0 ये वाला ब्रश जो है। देखिए अभी एक पिक्चर आ रहा है बैकग्राउंड में, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
आप चाहे तो कुछ और टेक्सचर भी ले सकते हो, वैसे आप कुछ भी बना सकते हो इसमें, ठीक है, तो सब कुछ पॉसिबल है इधर। फिर से हम चलते हैं स्टैंडर्ड लोगो मेकर में, ठीक है, तो इधर हाउ टू मेक थंबनेल में फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, तो इसका PNG बना लिया। फिर हम इसे प्लेस करेंगे अभी। ये रिजल्ट लेके मैंने हाउ टू मेक थंबनेल के लेयर में जाके उसको मिटा दिया, देख सकते हो अब। फिर हम जाएंगे इम्पोर्ट इमेज में और फिर से गैलरी में जाके वो वाला नया वाला ले लेंगे, ये हाउ टू मेक थंबनेल। देखिए ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, फिर से जैसे विथ दिख रहा है आपको, विथ भी मैंने वैसे ही लिया। अब जो देखेगा आपको ऑटोडेस्क का PNG फाइल में ले रहा हूँ वो मैंने पहले ही गूगल से ले लिया है, तो आप लोगों भी मतलब कुछ भी ले सकते हो गूगल से, ऐसे जाके आपको बस सर्च करना है कि PNG फाइल ऑफ दिस वन और PNG फाइल ऑफ दैट वन। अभी इस लोगो को फिर से मैंने डुप्लीकेट लेयर में बदल के को मतलब ये वाला बॉर्डर वाला इफेक्ट दिया, ठीक है, तो अभी ये वाला ऑटोडेस्क का लोगो देख सकते हो आप, PNG लोगो है। इसमें मैंने मैजिक वैंड टूल का इस्तेमाल किया और वाइट वाला पोर्शन जो था वो मैंने हटा दिया, फिर उसे PNG में बदल के उसको एडजस्ट भी कर दिया। अभी जो एरोज आपको दिखेगा वो मैं स्प्लेंडेड लोगो मेकर से लिया हूँ, ठीक है, PNG फाइल्स लिया है मैंने, तो मैंने एक को प्लेस किया और फिर उसका डुप्लीकेट बना के दूसरा डाल दूँगा उसमें। अब देखिए प्रोसेस जो है वो डुप्लीकेट करना है आपको, बस डुप्लीकेट बना के दोनों आ जाएगा आपके पास, आप प्लेस कर सकते हो। देखिए आप कुछ भी इसमें बना सकते हो। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर थोड़ा डिज़ाइंस वगैरह डाला है, ठीक है, कुछ एक ब्रश लेके, तो ये वाला थोड़ा वियर्ड पोर्शन है। देखिए अब फिनिशिंग के लिए मैं कुछ लाइंस वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इधर का, ठीक है, पूरा सेशन का ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए मैं अभी ये दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला अच्छा लगेगा, देख सकते हो आप, पता नहीं आप जिसका चॉइस जैसा है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी एक लास्ट फिनिशिंग है, ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। फिर आप चले जाइए अपनी गैलरी में, गैलरी में जाके आपका ब्राइटनेस कंट्रास्ट और शार्पनेस थोड़ा सा इधर उधर खींचिए, मतलब जैसा आपके मन चाहे, तो इससे आपका पिक्चर एकदम रेडी बन जाएगा।